हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं पार्लर। इसका फेशियल स्टार्ट है। और अभी ज़्यादातर ऐसे जाने के व्लॉग आएंगे, इधर उधर जाने के, क्योंकि जब तक शादी नहीं होती तब तक तो ऐसे ही चलेगा, कभी गई तो कभी गई। तो इसलिए अभी हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको इसका फेशियल कैसे होता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए पूरा वीडियो और इन्जॉय करिए। तो अभी हम चल रहे हैं इन रास्तों से, और ये मैंने पहले भी बता दिया था, यहाँ पे बहुत सारी घासें वासें हो गई हैं। तो अभी हम चलते हैं और सीधा मिलते हैं आपको मार्केट में, क्योंकि ये तो कई बार आपने वीडियो में देख लिया होगा दूसरे व्लॉग में। अब हम सीधा मिलेंगे आपको पार्लर में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पार्लर और दिखाते हैं आपको। तो ये है मालनी ब्यूटी सैलून। चुका है इनके फेस पे ब्लीच, और ये ब्लीच जो लगाया इन्होंने, इसको 15-20 मिनट तक ऐसी फेस पे लगे रहने देंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं और अगला स्टेप कौन सा है ये भी देखेंगे। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो गई चमक आने के लिए, तो सबको अच्छा फील होता है। तो अभी जो ब्लीच लगाया है वो रिमूव कर रहे हैं और उसके बाद है नेक्स्ट प्रोसेस, तो उसे भी देखिए ज़रूर। चुके हैं दो स्टेप कंप्लीट, और इसके बाद भी आगे आगे दो तीन और प्रोसेस होंगे इसके, और वो कंप्लीट होंगे उसके बाद हम घर जाएंगे। तो फिलहाल तो ये प्रोसेस हो रहा है और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है, क्योंकि इसमें ये जो स्टीम वगैरह थी तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था ये, तो वही मुझे ऐसा लगा पर्सनली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। कभी करवाया तो नहीं है बट दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और ऐसा भी लग रहा था जैसे इसे बहुत सुकून मिल रहा होगा इंसान को। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसे। शक्ल दिखाओ अपनी, थोड़ा चमका के। अब ये ब्लीच वगैरह और ये सब कुछ हो चुका है, स्टीम वगैरह दे दी है फेस को। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है ब्लैक हेड और वाइट हेड रिमूव करने की, वो भी आप देखिए और इसका एक्सप्रेशन भी देखिए क्या। Thank you.
अभी हो चुका है इनका ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव, और आंसू देख सकते हैं आप, से पता ही चल रहा होगा कितना दर्द हो रहा है इसको। तो ये जो रो रही है यहाँ पे, वो इसलिए रो रही है कि ये विदाई के लिए रो चुकी है भैया, अब ये विदाई में नहीं रोएगी। जो भी मेरे साथ जो भी हमारे रिश्तेदार हैं वो कृपया ये ना बोले कि ये रोई नहीं है, रोई नहीं है, तो ये रो चुकी है, उसके बाद ये रोने वाली नहीं है। समय के बाद हो चुका है इनका फेशियल कंप्लीट और सब चीज़ डन हो चुका है, और ये जो लास्ट स्टेप है वो है इनका लोशन वगैरह लगा रही है फेस पे, और इसके बाद हम चलते हैं सीधा घर को, क्योंकि सारा तो प्रोसेस हो चुका है और हमें भी यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं लगभग। तो अभी हम निकलते हैं घर को और सीधे मिलते हैं आपको घर पर। तो अभी निकल चुके हैं हम घर को, लेकिन रास्ते में हमें ये दिखा फास्ट फूड की दुकान MS कैफ़े, तो अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, ये फास्ट फूड की दुकान है तो फास्ट फूड ही खाएंगे। तो अभी हम करते हैं ऑर्डर, और आ चुके हैं हमारे मोमो चाउमीन। तो अपने व्लॉग का भी मैं यहीं पैन करती हूँ, अगर आप तो मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिया। धन्यवाद, थैंक यू।